हेलो बच्चों, आज बेटा हम कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत छोटा सा वीडियो है, मात्र 10-11 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद कभी भी आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे कॉमन लेंथ में। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, तो वहां गलतियां हो जाती हैं हमें फैक्टर करने में, या किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तब भी गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप याद रखोगे थोड़े से कंसेप्ट, तो फिर कभी गलती नहीं करोगे। जैसा मैंने एक दिन बताया था आपको, ये जो फैक्टर करने का वीडियो क्या कहता है, जैसे 3x² लिखा है, तो इसका मतलब होता है 3 × x × x। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये 5x का क्या मतलब होता है? 5 × x। अब देखो, आप ध्यान से देखो बेटा, यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है। 5 तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 तो कॉमन आ नहीं रहा, तो मैं x को कॉमन ले सकता हूं यहां से। अब जब मैंने यहां से x कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 3 और x। 3 × x करेंगे तो क्या बन जाता है? 3x। ये प्लस का साइन बच गया मेरा। चलिए, इसमें से x ले दिया, तो यहां पे क्या बचा? 5। तो ध्यान रखें, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, कभी नेगेटिव वाले साइन में, कभी पॉजिटिव वाले में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी तरीके से बनाया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे 3x² है, तो 3x × x, 9 ले, तो 3 × 3 = 9। ये माइनस का साइन आ रहा था, तो माइनस का साइन ले दिया। ठीक है, ये x x। अब देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, और तो इसमें तो x है नहीं, तो यही कॉमन आएंगे, तो 3x, तो 3 × x भी लिख सकते थे, 3x भी लिख दिया। 3x कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया x, ये माइनस का साइन बचेगा, 3 ले लिया, x ले लिया, 3 बचा। सिंपल, अभी तो मैंने सिंपल सिंपल बनाए, फिर यहां से आएंगे थोड़े से ठीक ठाक। चलिए, अब देखिए, ये दोनों ही नेगेटिव आ जाए, कोई नहीं, माइनस के 3x का मतलब ये भी हो सकता है, -1 × 3 × x। माइनस के 27 का मतलब ये भी हो सकता है, देखो इस माइनस के 27 को मैं ऐसे भी लिख सकता, यहां पे चाहता तो मैं यहां पे भी लिख सकता था, तब भी सेम ही आता मेरा आंसर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऐसे भी लिख दू, -1 × 3 × 3 × 3, तो अब देखो, एक तो -1 कॉमन आ सकता है बेटा मेरा, ठीक है, एक 3 कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ नहीं सकता, केवल दो ही चीज कॉमन आ सकती है, एक तो -1 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया। क्या बचा यहां पे? एक्स, ये साइन काय का है? प्लस का। यहां पर क्या बचा? 3 × 3 = 9, क्योंकि -1 कॉमन आ चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है इसमें अगर इस -1 की तरह करें, तो देखो कैसे होता, इसको भी देख लो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आ सकता है कंसेप्ट किसी बच्चे के मन में। 3x² - 9x था मेरा, इसको मैं लिख सकता था 3 × x × x, ये तो मैंने ऊपर लिखा ही। इसको माइनस को मैं क्या लिख सकता? +(-1). देखो, प्लस का -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस हो जाएगा, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, और एक्स अपना ये आ रहा है। अब देखो, इसमें से मैं कॉमन लेता तो भी मेरे को 3 कॉमन आता, एक तो एक मेरा एक्स कॉमन आ जाता, माइनस साइन इसमें दोनों में कॉमन नहीं आ रहा था। अब इधर क्या बचा? 3x कॉमन ले लिया, तो एक्स बचा। अब यहां पे बचा एक, तो 3 बचा, एक बचा -1, तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3, और बाहर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, और -3, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ये -3। देखो, उतना ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इधर देखिए, अगर इसे देखें हम, तो -3x को ऐसे लिख सकते हैं, 27 को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने इन दोनों में कॉमन देखा बेटा, इन दोनों में कॉमन मेरा केवल 3 आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 कॉमन ले लिया अपना, ये बच गया -1 × x, -x। इधर देखो, 3 × 3 = 9, प्लस का साइन आ रहा है, बस खत्म। इसे देखो, 10 को मैंने लिख दिया 2 × 5, x² को x × x, 18 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 3, x × x ये, और 17 को लिख दिया इस तरह से। ठीक है, 4x आ रहे हैं, तो 4 बार x मल्टीप्लाई करके देखो, 1, 2, 3, 4। अब देखिए क्या क्या कॉमन, अगर तीनों में से कॉमन लेना चाहें, चलो तीनों में से देखते हैं। देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो 2 दिख गया भाई तीनों में, बहुत बढ़िया। अब देखा हमने, इसमें 2x आ रही है, इसमें ज्यादा आ रही है, ज्यादा, ठीक है,
2x कॉमन ली हमने, तो यहां पर भी 2x कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी अपनी 2x कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या क्या बचा, एक तो हमने कॉमन लिया 2, एक कॉमन लिया दो बार x, x इंटू एक्स। अब देखो इसमें बच गया 5, इसमें माइनस का साइन बच गया, ये 3 इंटू 3 9 और एक x बच गया। इसमें देखो 2 चला गया, 2x चली गई, 7 और x इंटू एक्स आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई लिखना चाहें, 5 माइनस 9x प्लस का 7x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में देखो, इनमें मैंने 3x को 3 इंटू एक्स और ये 3 इंटू 1। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि भाई कॉमन लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अब मान लो कोई बच्चा इस 3 के फैक्टर नहीं करता तो वो कहता कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए ये वाला कंसेप्ट लगाया। ये दो कंसेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनमें मेरे 50-60% बच्चे गलती करते हैं, इसलिए देखने में तो बहुत आसान लगते हैं ये, लेकिन गलती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान से देखो बेटा इन्हें। तो देखो बेटा मैंने देखा इसमें भाई मेरा 3 कॉमन आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, 3 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे एक्स बच गया, ये माइनस का साइन, ये यहाँ पे 1। अगर इसे 3 को 3 इंटू 1 निकालेंगे तो बच्चा कहता है यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, छोड़ दिया उसने, लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। चलिए अब जरा इस वाली को देखिए, माइनस 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 को फिर से वही 3 इंटू 1 लिखा। अब देखिए जरा इसमें, इसमें मेरा 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, ये प्लस का साइन, ये हमारा खत्म, ठीक है। अब कॉमन लेने में गलती करोगे। अब जब कभी कभी क्या होता है, ये मैंने सारे क्वेश्चन बोल लिए जिनमें केवल एक्स आ रहा, एक वेरिएबल, जेड भी आ सकता था, डब्ल्यू भी आ सकता था, कोई भी वेरिएबल आ सकता था। अब कुछ मैंने मिक्सिंग क्वेश्चन लिए हैं जिनमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, हो सकता है जेड भी आ जाए, डब्ल्यू भी आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, तब के लिए चलिए, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं बेटा जब भी किसी टॉपिक को करें तो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमारे। अब जैसे इस पे मैंने 4 को कर दिया 2 इंटू 2, एक्स इंटू वाई को एक्स इंटू वाई, और ये सेम कोई। अब देखा हमने इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है, भाई 2 तो कॉमन आ नहीं रहा, एक्स कॉमन नहीं आ रहा, वाई कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी वाई आ रहा है, इसमें भी वाई आ रहा है, ठीक है। तो वाई कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो ये बच गया 2 2 4 और एक्स, ये प्लस का साइन, ये देखो वाई कॉमन हो गया तो 3z, ठीक है, ये 3 है बेटा। चलो अब देखो नेक्स्ट वाले में, इसमें देखो 4 को मैंने लिख दिया इस तरह से, 8 को लिख दिया और 2 को लिख दिया। अब इसमें फिर से मैंने कॉमन देखा, देखो बेटा इसमें एक तो मेरा 2 कॉमन आ रहा है, अब देखा इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स नहीं आ रहा, इसमें वाई आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, इसमें वाई नहीं आ रहा, तो 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 ले लिया मैंने, ये बच गया मेरा 2xy प्लस का साइन 4yz, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो, और 2x कॉमन ही नहीं आया तो zx, ये लाइक टर्म्स नहीं है कि जुड़ जाएं, इसलिए ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जरा इसमें, देखिए इसमें x आ रहा है दो बार, y आ रहा है दो बार, ये अब देखा इसमें हमने इसको बेटा मैंने जरा ऐसे क्यों लिख के दिखा दिया कि यदि हम जैसे ये आ रहा है y पहले आ रहा है x बाद में, मल्टीप्लाई में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 6 आता है मेरा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6। तो मल्टीप्लाई में क्या करें कि कभी भी अगर जैसे ABCD हम पढ़ते ना, a पहले आता है फिर b आता है फिर c आता है, ऐसे x पहले आता है y बाद में, तो x वाले को यदि पहले लिख लें, y वालों को बाद में लिख लें, z वालों को उसके बाद में लिख लें, तो इससे क्या है कॉमन लेने में आसानी रहती है, कभी कॉमन लेना छिपता नहीं है कि कभी ऐसा हो कि दिखा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इस रूल को जब भी जो भी टर्म्स आए वो उन्हें सीक्वेंस में लिखो कि ABCD में वो किस सीक्वेंस में आते हैं। ये कोई मैथ का रूल नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, ये केवल हमारा रूल है कि गलती ना हो उसके लिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, एक तो मेरा एक्स आ रहा है, एक मेरा वाई आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, खत्म। देखिए अब ये जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जेड इंटू जेड, 2 × 2 × z, और 12 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 × 3,
अब देखा हमने तीनों में से कॉमन चाहिए भाई, इसमें जेड इंटू जेड आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, इसमें जेड आ ही नहीं रहा, इसमें टू आ रहा है, इसमें टू नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें से कुछ भी डायरेक्ट तीनों में से कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तीनों में से कॉमन नहीं आ सकता। तो अगर हमने ध्यान से देखा तो बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा नहीं लग रहा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते थे एक्स स्क्वायर माइनस फोर जेड माइनस ट्वेल्व, इस तरह का क्वेश्चन नहीं लग रहा। इसके लिए बेटा आप जो है मेरे क्लास टेंथ पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स एस लग रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जब गूगल पे आप टाइप करोगे पॉलिनोमियल्स बाई फ्री मैथ्स 2121, अगर आप ये टाइप कर दोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन टाइप नंबर टू के अंदर मिल जाएगा। इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सिखाया है, ठीक है, बीच वाले पद का तोड़ना बहुत प्यारे तरीके से। तो मैं पूरा वीडियो बनाऊं क्योंकि वो 10 मिनट के आसपास का वीडियो है तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसे वहीं से देख लें। आप गूगल पर टाइप करोगे जैसे ही ये फ्रीमैथ्स, और अगर ऐसे भी ना मिले तो आप क्या करना, संडे स्पेशल क्लास, स्पेशल, देखो स्पेशल की स्पेलिंग सही लिखना, स्पेशल क्लास बाय फ्री फिर गैप देके मैथ्स, एस लगाना मैथ में, बहुत से बच्चे एम ए टी एच ई लिख देते हैं, 212। तो ध्यान रखें जैसे ही इसको करोगे तो उसमें एक वीडियो लिखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, या किसी बच्चे को जाना आता है चैनल्स पे, जब जाओगे मेरे पे फिर वहां पे प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में संडे स्पेशल क्लास का प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें इस तरह का एक वीडियो बन रहा है, केवल एक ही वीडियो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो तुरंत आपको इसका तरीका मिल जाएगा। इस वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है सिंपल, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस वाले में तो देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम फोर को, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं तो ये बनेगा, ये तो ए है मेरा ए प्लस बी, और ये हो गया मेरा ए माइनस बी। इसमें फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ज्यादा फैक्टर और कॉमन लेना नहीं हो सकता। थैंक यू।